जिस आदमी को ये समझ नहीं है कि मठाधीश्वर और आतंकवादी में कोई फर्क नहीं है, इससे पता चलता है कि उनकी नेचर क्या है। तो जिसका पिता यही करा सकता है तो बेटा की मानसिकता कैसी होगी, इसे आप आइडिया लगा सकते हैं। वो तो माफिया खुद है, माफियों का सरदार है इसको। कौन कौन? अखिलेश, उसका ये जो लाल टोपी है खून में सनी हुई है, इसके बाप ने 5,000 क्या नाम है राम भक्तों का बाप है गोलियां चलवा के सरयू नदी में बहाया था, लड़कियों की शादी में 10,000 रुपया खाता था। इनका काम क्या, जिस समय चुनाव आए, अभी आपने एक वीडियो वायरल कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे सबको भेज रहे हैं बांग्लादेश की, कि देखो ये जो लड़कियां हिंदू हैं जो बुर्का नहीं पहन रही उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, कि हिंदू मुसलमान के अलावा इनसे ये कह दो कि आप कश्मीर, पाकिस्तान, मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, ये चारों पांच जो है आइटम बंद कर दो। इनसे भाषण नहीं निकल सकता इनके मुँह से। ये हरियाणा में देख लो गाँव में घुस नहीं पा रहे, वोट मांगने नहीं पा रहे हैं, इसी के कारण है सजा इसी का मिल रहा है। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया था मठाधीश्वर और माफिया को लेकर। मठाधीश्वर और माफिया में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है ऐसा अखिलेश यादव जी ने कहा था। टारगेट तो थे योगी जी, पर जाने अनजाने में देश के जितने भी मठाधीश्वर हैं उनको वो टारगेट कर गए और उनकी निगाहों पर चढ़ गए। संत समाज ने यह कहा कि जिन्होंने अपनी गोद में अतीक अहमद को बिठाए रखा हो उसको क्या मालूम कि माफिया और मठाधीश्वरों में क्या अंतर होता है। सर नमस्कार जी। सर, अखिलेश यादव जी का ये कहना कि मठाधीश्वर और माफिया में ज़्यादा अंतर नहीं है उचित है? देखिए, आप इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने कह क्या रहा। जिस आदमी को ये समझ नहीं है कि मठाधीश्वर और आतंकवादी में कोई फर्क नहीं है, इससे पता चलता है कि उनकी नेचर क्या है। और यूपी की जनता उनकी भी शासन देखी है और आज योगी की भी शासन देख रही है। उन्होंने आतंकवादियों और माफियाओं को पाला, टिकट दिया, जिताया। आज उसी आतंकवादी उसी माफियाओं को जो है योगी मिट्टी में मिला रहे हैं। उन्होंने संसद में बोला था कि आपने जो पाला है उसको मैं मिट्टी में मिलाऊंगा, और मिलाने का काम उन्होंने किया। तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक जितनी सरकारें वहाँ पर रही है उसमें योगी या आदित्यनाथ जी का सबसे अच्छा माना जाएगा। पर इस तरीके की बात करना, पूरे देश के संत समाज को टारगेट करना कि मठाधीश्वर माफिया में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, क्या लगता है कि? मैं बता रहा हूँ, ये टारगेट वही कैसे कर रहे हैं। इसके पहले तो मुलायम सिंह यादव जी भी किए थे, रक्त रंजीत वहाँ पर जो कार सेवकों पर जो गोली चलवाया था किसने चलवाया था, इसी से आ दिया कि उनकी मानसिकता क्या है। उनकी ये केवल अखिलेश यादव की तो नहीं है, वो तो उनके पिताजी ने काम कराया था। तो जिसका पिता यही करा सकता है तो बेटा की मानसिकता कैसी होगी, इसे आप आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये उनकी मानसिकता की मतलब झलक दिखती है कि उनका नेचर क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं, ये चीज़ है। योगी जी ने ये बात कही थी कि बटोगे तो कटोगे, इससे क्या समझते हैं फिर आप? उन्होंने सही कहा, कहने का मतलब कि हम पार्टी के विशेष पर, जात के विशेष पर क्यों बटे, और कोई किसको तो कोई नहीं बांट रहा है ना। जब हम आपस में फुटमत होगी तो दूसरा फायदा उठाएगा ही। तो एकजुटता तो इस शुरू से रहा है कि हम एक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, ये बात तो उन्होंने सही कहा। लेकिन कुछ जो अपने सत्ता के लालच में या वोट के लालच में जो ये बोल रहे हैं, वो केवल वोट के लालच में बोल रहे हैं। उन्होंने ही ना मतलब कार सेवकों पर गोली चलवाया, चाहे आतंकवादी जैसे उनको छुड़वाया। तो जो जनता जान रही है कि किसकी क्या नेचर है और किसकी क्या भावना है। अच्छा, मठाधीश्वर की बात कर रहे थे हम लोग कि मठाधीश्वर और माफिया में अंतर है। आपने बैकग्राउंड दिखाया कि बैकग्राउंड ऐसा था, क्या लगता है कि 27वें चुनाव होने वाले हैं, ऐसे अगर बयान दिए जाएंगे दोनों तरफों से तो पलड़ा किसका भारी रहेगा फिर? योगी ही जीतेंगे, क्योंकि जनता वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर जो ऐसा है कि जनता उनको चाह रही है। जनता को क्या चाहिए? सुख सुविधा चाहिए, सुरक्षा चाहिए। जो सुख सुविधा या सुरक्षा देगा जनता उसी को वोट करेगी। जो मठाधीश्वर के वो बात कही है अखिलेश यादव जी ने कि मठाधीश्वर और माफियाओं में कुछ ज़्यादा अंतर होता नहीं है, वो माफिया की बात है, माफिया ही जानते हैं हम लोग तो सच्चा थोड़ा बहुत मतलब ऐसे इंसान है। सही कहा ना उन्होंने, सही कहा भैया।
वो तो माफिया खुद है, माफियों का सरदार है इसको। कौन कौन? उस अखिलेश, उसका ये जो लाल टोपी है खून में सनी हुई है, इसके बाप ने 5,000 क्या नाम है राम भक्तों का वहाँ पे गोलियां चलवा के सरयू नदी में बहाया था, वो तो सबसे बड़ा आतंकवादी था। हाँ, ये क्या कर रहा है? ये भी क्या नाम है, उनसे हिस्सा लेता है उन्हें बचाने के लिए। लड़कियों की शादी में 10,000 रुपया खाता था, जिसको भी इनके मैन्युफैक्चर में था 20,000 रुपया, उनको उनको 10,000 कहना चाहेंगे भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? प्रूफ है हमारे पास, प्रूफ है हमारे पास, समझे? खाली मुंह से बोलना और बड़ी बड़ी बातें करना, हकीकत यह है कि जैसे ये चुनाव आ रहा है, अभी बीजेपी के एक नेता ने क्या कहा, बीजेपी के एक नेता ने राहुल गांधी पे अटैक कर दिया, आपने सुना ही होगा। वो इनका काम क्या, जिस समय चुनाव आए, अभी आपने एक वीडियो वायरल कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे सबको भेज रहे हैं बांग्लादेश की, कि देखो ये जो लड़कियां हिंदू हैं जो बुर्का नहीं पहन रही, उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है। जबकि उसकी हकीकत जिसे जाननी है वो गूगल करे, वो वहाँ पर वैश्यावृत्ति कर रही थी, उनको पीटा जा रहा था, और उसको ये सारे में वायरल कर रहे हैं कि ये हिंदू बेटियों को पीट रहा है। इनको समझ में नहीं आता कि हिंदू मुसलमान के अलावा, इनसे ये कह दो कि आप कश्मीर, पाकिस्तान, मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, ये चारों पांच जो है आइटम बंद कर दो, इनसे भाषण नहीं निकल सकता इनके मुंह से। दूसरों को कोसना, दूसरों की बुराइयां करना, उसके अलावा कुछ नहीं आता। देश आगे कैसे बढ़ेगा उसका कोई मतलब नहीं। आप कहीं पे भी देख लो, कनॉट प्लेस की डिबेटों में देख लो आप, वो क्या बोलते हैं, वो सीधा मुसलमानों पे अटैक। मुसलमान तो शुरू से आते रहते हैं, कुछ हुआ क्या आज तक देश के अंदर? आप कहाँ, दिल्ली से हैं क्या? बाहर से। कहाँ से? बाहर से। कहाँ से जी? कहाँ से? बिहार से। बिहार से। बिहार में तो भाई साहब बिहार है अभी, क्या लग रहा है? 25 में चुनाव है वहाँ पर है, लेकिन भाजपा वाले भगाएंगे वहाँ इस बार। भाजपा वाले भगाएंगे या भगाई जाएंगे? भग जाएंगे इस बार, भग जाएंगे। क्यों भाई? भाई उसने काम ही ऐसा किया, अभी हरियाणा में देख लो, देख लो गाँव में घुस नहीं पा रहे, वोट मांगने नहीं पा रहे हैं। हाँ, इसी के कारण है, सजा इसी का मिल रहा है। और नीतीश बाबू, नीतीश बाबू भी बुरा हाल होगा उसका, जब तक रहेगा इंडिया के साथ, उसकी पार्टी अभी भी टूट रही है, उसको कुछ होश नहीं है अपने आप को। कौन चेहरा कौन है फिर वहाँ पर? वहाँ का वो लालू का बेटा तेजस्वी यादव। पहले दम पर आएंगे? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस के साथ गठबंधन है ना, कांग्रेस तो वहाँ ना के बराबर ही है। इस बार पूरा बहुमत से आएगा, इस बार पूरा बहुमत से आएगा, और सरकार उसी ने बनाएगा। ये समीकरण होगा जेडीयू और प्लस वो आरजेडी। जेडीयू अगर नहीं आए तो आरजेडी का सरकार बनेगा, कांग्रेस और आरजेडी मिला के सरकार मंत्री बनेगा। ये भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान है कि चेहरा है? अच्छा, चिराग पासवान है। चिराग पासवान नहीं आएगा, चिराग पासवान है बस, युवा चेहरा कह रहे हैं। नहीं नहीं, चिराग पासवान इतना पावर नहीं है उसका, पावर नहीं है, पावर नहीं है ना, वो कुछ कर सकता है, कर सकता है तो तेजस्वी यादव कुछ कर सकता है, युवा के लिए रोजगार भी दे सकता है, महंगाई दूर कर सकता है, और युवा है, राजनीतिक बढ़िया कर रहा है, काम भी अच्छा कर रहा है बढ़िया। कुछ कर नहीं पाए क्या नीतीश बाबू? नहीं, नीतीश कर नहीं पाया काम, नीतीश कर नहीं पाया, काफ़ी दिन रहा बिहार में मंत्री बनके, लेकिन काम नहीं दिखा पाया अभी तक। कुमार क्या कह रहा है बिहार के बारे में कि हम तो मोदी जी से हम सरकार बना दिया, अब उनको कुर्सी पर हम बैठा दिया, बाकी मोदी जी हमको रोक लगा रहे हैं, बिहार के लिए हम कोई बिजली पानी नहीं बिहार के लोगों के जनता के देंगे, तो जनता खुशी कहाँ से लेगा? वो रोक लगा रहे हैं कि हम बिजली पानी नहीं देंगे, और वो बताओ कि असूरी दलाली कर रहे हैं घरे घरे, हमको पैसा चाहिए। कहाँ से आप? हम बिहार से हैं। कहाँ से? पटना से, पटना से। अब वो जनता बताओ कि असूली, अब बताओ कि अब दलाली कमा रहे हैं घरे घरे कि हमको बिजली का पैसा चाहिए, जनता कह रहे हैं कि हम वोट क्या पर दिए हैं, हम दलाली देने के लिए कि अब की बार हम वोट दे रहे हैं, अब की बार तुम्हारा नहीं देंगे, अब की बार खम्हा तू गिराया, तू खम्हा नहीं लगाया, धरती में खम्हा नहीं तू गाड़ा, तू बताओ पानी के तू मशीन तू लगाने के ऑर्डर खड़ा था, वो बताओ टोटी नहीं खड़ा करा। 25 में कौन आ रहा है वहाँ पर? 25 में लालू के तैयारी है, तैयारी है, तैयारी है, बिल्कुल तैयारी है, पूरा जनता कपड़ा कपड़ा पड़ा है। भाजपा वाले भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर? भाजपा वाले भी तैयारी कर रहे हैं। भाजपा वाले तो बता तो दिए कि ये बताओ कि कमी है,
हाँ यही एक कमी है, बिजली पूरा नहीं वाले जहाँ भी जाओ, जैसा अभी हरियाणा में चुनाव है, सरकारी ठेका बंद हो गई है, सरकारी ठेका बंद कर दिए थे, सारे सरकार के कितना नुकसान हुआ था। बीजेपी के नेता सारे इस्तीफा दे दे के भाग रहे हैं, उसे पता है कि अब वोट नहीं मिलने वाला। अगर बीजेपी के साथ रहेंगे भी छोटे मोटे पार्टी जो जीतते हैं, जो है यार, उसके साथ रहना बेकार है ना। इस बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, उसके साथ वाले को पसंद कर रहे हैं। आप नया सरकार महाराष्ट्र में भी होगी और हरियाणा में भी होगी, बिहार में भी चुनाव है 2025 में, वहाँ पे भी सरकार बदलेगी। कहाँ से हैं आप? बिहार से हैं भाई। क्या लग रहा है 25 में चुनाव होने वाले बिहार के अंदर में, क्या लगता है समीकरण वहाँ पर? तेजस्वी यादव भी आएगा आपकी बार तो। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि तेजस्वी काम करता है, बाकी ये गड़बदलू नीतीश चाचा है ही, कभी भाजपा की तरफ जाते हैं, कभी किधर जाते हैं, कभी किधर जाते हैं, तो पलटू राम को तो कोई वोट करने वाला है नहीं, बस ऐसा ही। और क्या है।